जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं शिक्षा दृश्य चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक दार्शनिक संप्रदाय के रूप में मार्क्सवाद मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मार्क्सवाद जिसको हम साम्यवाद के नाम से भी जानते हैं, साम्यवाद भी कहा जाता है। साम्यवाद विचारधारा को लेकर ये मार्क्सवाद आगे बढ़ता है। ये मार्क्सवाद जो हम पढ़ते हैं ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। कार्ल मार्क्स ये रूसी दार्शनिक थे, इनको हम समाजशास्त्री भी कहते हैं। दार्शनिक थे, साम्यवादी विचारधारा को आधार मानकर इन्होंने अपने विचारधारा को आगे बढ़ाया, निर्धारणा को आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्स जो पुस्तक लिखे हैं जिनके आधार पर हम मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारियों साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है, वह है दास कैपिटल। यही पुस्तक है जिसमें कार्ल मार्क्स की विचारधारा को हम पढ़ते हैं। इसका दास कैपिटल का जो सेकंड और थर्ड खंड है, ये कार्ल मार्क्स की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई। सेकंड और थर्ड भाग मृत्यु के पश्चात जो विचारधारा ये है, इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या है इसको हम देख लेते हैं। सबसे जो प्रसिद्ध विचारधारा है, जो सिद्धांत है, वो मार्क्सवाद की है, जिसके आधार पर यह दर्शन दार्शनिक संप्रदाय मार्क्सवाद आगे बढ़ता है। वह है हर कार्य वस्तु हर कार हर वस्तु व्यक्ति पर संदेह करो, ये विचारधारा है कार्ल मार्क्स की और उनके पुस्तक की। इसके आधार पर पूरा दर्शन विकसित होता है। इसमें शिक्षा को सर्वोपरि निवेश माना गया है। क्या कहा गया है? शिक्षा सर्वोपरि निवेश है। शिक्षा सर्वोपरि निवेश है, एक ही सिद्धांत है। दूसरी बात जो प्रमुख है वह है कि ये परिवर्तन में विश्वास रखते थे। जो पूर्व निर्धारित विचारधाराएं हैं, संस्कृति हैं, उस पे अडिग न होते हुए उसमें सुधार की बात करते हैं, उसमें परिवर्तन की बात करते हैं और वैज्ञानिकता को ये बढ़ावा देते हैं। सिद्धांत से ज्यादा क्रियाशीलता पर बल देते हैं, एक। और दूसरी जो बात है वह है परिवर्तन में विश्वास।
परिवर्तन में विश्वास, परिवर्तन चाहे शिक्षा में हो चाहे समाज में हो, परिवर्तन की बात करते हैं। इनका दृष्टिकोण जो था वह सामाजिक था, दृष्टिकोण सामाजिक था, विचारधारा विचारधारा क्रांति को जन्म दिया, क्रांति को जन्म दिया। क्रांति को कौन सा, कैसी क्रांति? सर्वहारा के बचाव के लिए और पूंजीपतियों का इन्होंने विरोध किया। इनकी जो विचारधारा थी कार्ल मार्क्स की, वह थी संसार की आदि सत्या आधुनिक न होकर भौतिक है, संसार की सत्ता आध्यात्मिक नहीं भौतिक है, ये विचारधारा थी। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है, ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है, एक ये भी विचारधारा थी। और यह भी बताया कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये विचारधारा थी। साम्यवाद उत्पादन और साम्यवाद जिसको हम मार्क्सवाद भी कहते हैं, मार्क्सवाद, इनका जो प्रमुख सिद्धांत था वह था उत्पादन और वितरण को सुनियोजित बनाना। ये इनका प्रमुख सिद्धांत था। मार्क्स की यह जो विचारधारा है वो मानती है कि मानव को सर्वप्रथम भोजन, कपड़ा और मकान चाहिए। सर्वप्रथम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़ा, मकान चाहिए, उसके पश्चात कला, साहित्य, राजनीति में वह चिंतन बाद में करता है। ये उनका विचार था। सबसे पहले हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। राजनीति में, इतिहास में, कला में, साहित्य में वो चिंतन बाद में करता है। वो बौद्धिक साहित्यिक शिक्षा लेने की बात जो करते हैं, वो पहला वर्ग है और श्रम करने वाला दूसरा वर्ग, इस रूप में वो दो वर्ग में विभक्त करते हैं। इसीलिए इनकी धारणा को द्वैतवाद कहा जाता है। ज्ञान क्रिया में समन्वय स्थापित करने की बात करते हैं, मन और शरीर में समन्वय स्थापित करने की बात करते हैं, विचार और क्रिया में समन्वय स्थापित करने की बात करते हैं। मन, शरीर, मन और शरीर में विचार और क्रिया में समन्वय
मन और शरीर में कैसे समन्वय स्थापित हो यह भी स्पष्ट करते हैं, और विचार और क्रिया में इसी आधार पर जो इनका शिक्षा की धारणा है वह भी दो प्रकार से प्रकट होती है, जिसको हम द्वैत धारणा कहते हैं। उसमें पहला है उच्च वर्ग और दूसरा है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग को सर्वहारा कहते हैं और उच्च वर्ग को बुर्जुआ। बुर्जुआ वर्ग पूंजीपति का वर्ग है और निम्न वर्ग सर्वहारा वर्ग है। इसके बाद इनकी जो और एक बात आती है वह बहु औद्योगिक शिक्षा की बात करते हैं। ये बहु औद्योगिक शिक्षा, बहु औद्योगिक शिक्षा की बात करते हैं और ये मानते हैं कि सुनियोजित विकास इसी से होता है। सुनियोजित विकास का आधार है, ये इनकी विचारधारा है जो शिक्षा में अपना प्रभाव डालती है। वैसे तो शिक्षा से संबंधित इन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन जो इनके पत्रों के माध्यम से इनके कार्यक्रमों के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, तो ये इनके मूलभूत सिद्धांत हैं, विचारधारा है। इनका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, शिक्षा क्या है, शिक्षा से संबंधित उनकी क्या विचारधाराएं हैं। कार्ल मार्क्स की विचारधारा मार्क्सवाद है, रूसी दार्शनिक विचारक रहे हैं ये। इनकी पुस्तक का नाम दास कैपिटल, जिसमें इनको विचारों का समावेश मिलता है। दास कैपिटल का सेकंड और थर्ड भाग इनके मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। तो ये सामान्य जानकारी जो थी हमने बताया। इसके बाद शिक्षा की बात आती है, शिक्षा से संबंधित क्या विचारधारा इनकी रही है। सबसे बड़ी बात शिक्षा में कि ये सार्वभौमिक शिक्षा की बात करते हैं, सार्वभौमिक शिक्षा की बात करते हैं। ये मानते हैं कि एक संरचना होनी चाहिए, पूरे देश में एक संरचना हो, सार्वभौमिक शिक्षा हो, पूरे देश में एक संरचना हो। बाल श्रम का विरोध किए, उस समय बाल श्रम होता था, विशेष करके बाल श्रम का विरोध किए, इनकी शिक्षा की ये विशेषता रही। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाए, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क हो, जो आज हमारे यहाँ लागू है उसकी बात इन्होंने उसी समय की। अध्यापक जो पढ़ाता है उसकी न्यूनतम योग्यता का निर्धारण होना चाहिए, निर्धारण हो और वो राज्य करे, ये भी इन्होंने बताया कि राज्य के द्वारा अध्यापक के न्यूनतम योग्यता का निर्धारण होना चाहिए।
एक और विचारधारा राज्य शिक्षा को आर्थिक सहायता दे, ये भी बताया राज्य शिक्षा को आर्थिक सहायता दे, यह भी विचारधारा उन्होंने दिया। सर्वहारा, सर्वहारा जिसको हमने कहा निम्न वर्ग, निम्न वर्ग के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, सर्वहारा के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए जो निम्न वर्ग है, उन्होंने बताया। और शिक्षा उत्पादन कार्यों से संयुक्त तो हो, ये भी इन्होंने बताया। इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा के विषय में बताया और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा का कार्य मानव जीवन में प्रकाश लाए, यह होनी चाहिए। शिक्षा का कार्य मानव जीवन में प्रकाश लाना है, तो इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा के विषय में ये बातें रखी। सार्वभौमिक शिक्षा और संरचना पूरे देश में एक हो, बाल श्रम का इन्होंने विरोध किया, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क, अध्यापक की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण हो और राज्य सरकारें इसका निर्धारण करें, राज्य शिक्षा को आर्थिक सहायता दे, सर्वहारा जिसको इन्होंने निम्न वर्ग में रखा के अनुसार शिक्षा हो और शिक्षा उत्पादन कार्यों से संयुक्त हो, शिक्षा मानव जीवन में प्रकाश ले आए। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा की बात इन्होंने की। इनके जो शिक्षा की योजना थी उसमें शिक्षा की इन्होंने प्रकार निर्धारित किया, शिक्षा के प्रकार ये तीन प्रकार इन्होंने माना, शिक्षा के जो प्रकार इन्होंने माना वो तीन था। तीन प्रकार में क्या क्या था इसको ध्यान में देना है। इसमें जो सबसे पहला प्रकार था वह था बौद्धिक। बौद्धिक, बौद्धिक प्रकार में लिखना पढ़ना, गणित का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, ये सब बातें रखी गई। दूसरा था शारीरिक व्यायाम, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम शिक्षा। और तीसरा था पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण। ये तीन प्रकार की शिक्षा की इन्होंने बात की। बौद्धिक के अंतर्गत लिखना पढ़ना, गणित का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, ये सब बातें थी। शारीरिक शिक्षा व्यायाम शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम और साथ साथ पीटी जो हम विद्यालयों में करते थे वो सब बातें थी। और पॉलिटेक्निक के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रशिक्षण और सुयोग्य नागरिक बनाना, उत्पादन औजारों का प्रयोग करना, उत्पादन औजारों का प्रयोग, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, उत्पादन उत्पादक कार्यों का प्रशिक्षण, ये
किसमें रखा गया? इसमें पीटी व्यायाम रखा गया, इसमें लिखना पढ़ना इतिहास गणित ये सब विषय रखे गए। तो ये इनका शिक्षा का प्रकार रहा। इसके साथ शिक्षा के स्तर इन्होंने जो निर्धारित किए, योजना या स्तर, शिक्षा की क्या योजना थी, शिक्षा के क्या स्तर थे जो इन्होंने बताया, वह भी तीन थी। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीय स्तर। ये तीन स्तर इन्होंने बताया। जो प्राथमिक स्तर इन्होंने बताया था वह था 9 से 12 वर्ष। जो द्वितीय स्तर बताया था वो था 13 से 14 वर्ष और तीसरे में 17 वर्ष तक। ये बताए थे इसमें जो प्राथमिक स्तर है, प्रथम स्तर है, उसमें 2 घंटे कार्यों में हाथ बटाएं जो छात्र है। जो द्वितीय स्तर है ये 4 घंटे और जो तृतीय है ये 6 घंटे। ये उत्पादन कार्यों में इनका सहयोग होना चाहिए, ये इन्होंने स्पष्ट किया। इसके बाद जो शिक्षा की बात आती है वो शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए उद्देश्य, इसमें जो इनकी विचारधारा से हमको जानकारी मिलती है वो उद्देश्य होने चाहिए श्रम का महत्व बताना, श्रम का महत्व ये महत्वपूर्ण था। दूसरा था वह था साम्यवाद के प्रति निष्ठा, ये महत्वपूर्ण था। और तीसरा जो उद्देश्य था वह था भौतिक दृष्टिकोण का विकास, भौतिक दृष्टिकोण का विकास, श्रम का महत्व और साम्यवाद के प्रति निष्ठा। चौथा जो उद्देश्य था वह था उत्तम चरित्र का निर्माण, उत्तम चरित्र का निर्माण करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और पांचवा जो उद्देश्य था वह था उत्पादन साधनों पर राज्य को प्रमुखता दी जाए, उत्पादन साधनों पर राज्य का नियंत्रण। उत्पादन साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, शिक्षा उत्पादन का साधन हो, ये महत्वपूर्ण बात थी इसमें। जो शिक्षा होनी चाहिए वह उत्पादन का साधन हो, ये विचारधारा महत्वपूर्ण थी। श्रम का महत्व, साम्यवाद की प्रतिनिष्ठा
भौतिक दृष्टिकोण का विकास, उत्तम चरित्र का निर्माण, उत्पादन साधनों पर राज्य का नियंत्रण। तो ये शिक्षा की योजना के स्तर, शिक्षा के प्रकार, बौद्धिक, शारीरिक और पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण स्तर तीन थे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर। इसको हम प्रथम स्तर या प्राथमिक स्तर कहते हैं। 9 से 12 वर्ष, 2 घंटे का कार्य करके सहयोग करेंगे बच्चे। द्वितीय स्तर 13 से 14 वर्ष, 4 घंटे और 17 वर्ष तक ये 6 घंटे का सहयोग करेंगे। तो ये इसके साथ लेना चाहे आप ले सकते हैं। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या शिक्षण विधि होनी चाहिए, क्या अनुशासन होना चाहिए कैसा, और विद्यालय के क्या गुण होने चाहिए, इस पर भी साम्यवादियों का विचार मिलता है। अब बात आती है पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम इसमें जो बातें रखी गई पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उसका मूल सिद्धांत था समायोग, समाज के लिए उत्पादक श्रम और उनकी समस्याओं को शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। पाठ्यक्रम जो हो वो समाजोपयोगी हो। और उसमें जो समस्याएं आए, शिक्षा समस्याएं जो आए वो शिक्षा का केंद्र हो। ये बातें थी। हाथ से काम को प्रमुख महत्व दिए जाए, हाथ से काम, ये पाठ्यक्रम में बातें रखी गई। धर्म को पाठ्यक्रम से बाहर रखा जाए, ये बातें रखी गई। इन्होंने बताया कि जो पूंजीवादी बुर्जुआ वर्ग है वह धर्म को एक अफीम की तरह सर्वहारा वर्ग को देता है, निम्न वर्ग को देता है, और निम्न वर्ग सर्वहारा वर्ग सोता रहता है, और इससे लाभ ये होता है कि वो कभी भी पूंजीपतियों का विरोध नहीं कर पाता। इसलिए इन्होंने कहा कि धर्म को पाठ्यक्रम से बाहर रखा जाए। धर्म एक अफीम की तरह है, ऐसा कार्ल मार्क्स का विचार था। और इन्होंने बताया कि विज्ञान आवश्यक है, विज्ञान आवश्यक है, विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। इतिहास का अध्ययन इन्होंने बताया, साम्यवाद हेतु आवश्यक, इतिहास के अध्ययन से ही साम्यवाद को समझा जा सकता है, इसलिए इतिहास को रखा जाए। शिक्षक इसके लिए भी इन्होंने बताया कि शिक्षक का अधिकार अछूते है, शिक्षक का अधिकार अछूते है,
प्रचार प्रसार के साधन है जो साम्यवाद है, प्रचार प्रसार के साधन है। इसलिए शिक्षक को साम्यवाद के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण विधि ये कैसी हो, क्या बातें इसमें रखी जाएं, इसके लिए भी इनका विचार आता है। ये कहते हैं कि रचनात्मकता पर बल हो, रचनात्मकता पर बल, पहली बात क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। समाज की अंतः क्रियाओं, जो समाज की अंतः क्रियाएं हैं वो परिचित हो, परिचित कराए। शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए, समाज के अंतर क्रियाओं से परिचित कराए। सामाजिक परिवर्तन के कारणों का ज्ञान कराने वाली शिक्षण विधि हो, और वर्गहीन समाज के निर्माण में सहायक होनी चाहिए। ये विशेष बात थी, वर्गहीन समाज के निर्माण में सहायक, ये शिक्षण विधि होनी चाहिए जो रचनात्मकता पर बल दे, समाज की अंतःक्रियाओं से परिचित कराए, सामाजिक परिवर्तन के कारणों का ज्ञान कराए। और ये विशेष बात थी वर्गहीन समाज, क्योंकि पूरा सिद्धांत थी वर्गहीन समाज के लिए, सर्वहारा समाज निम्न वर्ग समाज के लिए ही था। अध्यापक क्या कर्तव्य है, ये सबसे बड़ी बात इसमें है कि साम्यवाद का जानकार हो, जिससे कि प्रचार प्रसार करें। दूसरी बात, अध्यापक की थी वह समाज की अंतः क्रियाओं से परिचित हो, यह हमने शिक्षण विधि में भी बताया। नैतिक वातावरण का निर्माण करें, अध्यापक नैतिक वातावरण का निर्माण करें, सामाजिक परिवर्तन लाए, और जो शिक्षण विधि थी उसमें यथार्थता यथार्थता का बोध कराए, जो शिक्षण विधि अपनाए उसमें यथार्थता लाए। तो ये शिक्षण विधि ऐसी हो जो अध्यापक यथार्थता का बोध कराए, उसमें प्रयोगशाला और कार्यशाला का जानकार हो, शिक्षक प्रयोगशाला कार्यशाला की जानकारी हो, क्योंकि वैज्ञानिकता इसी प्रयोग के आधार पर आती है, यह शिक्षण विधि भी है और शिक्षक का ये गुण हो। तो ये अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो साम्यवाद का जानकार हो, जो नैतिक वातावरण का निर्माण करे, जो यथार्थता का बोध कराए, प्रयोगशाला कार्यशाला की उसकी जानकारी हो,
और ये शिक्षण विधियों में रचनात्मकता का बोध कराए, रचनात्मकता लाए, समाज की अंतःक्रियाओं से परिचित होते हुए वह समाज की जानकारी कराने के लिए तत्पर रहे और शिक्षण विधियों में प्रयोगशाला कार्यशाला को वो महत्व दे, ये शिक्षक का गुण होना चाहिए। जो छात्र में गुण क्या होने चाहिए, वो साम्यवाद को माने, ये प्रमुख बात थी। और ना मानने पर दंड मिले, ये भी बातें रखी गई। दंड का निर्धारण क्या होना चाहिए, उसके लिए साम्यवाद 2 अगस्त 1943 को सोवियत पीपुल्स अधिकारी ने 20 सूत्री दंड व्यवस्था बताए, 20 सूत्री दंड व्यवस्था बताए हैं। उसमें उन्होंने छात्र के लिए नियम और कर्तव्य बताए हैं। ये पाठ्यक्रम शिक्षण विधि और अध्यापक छात्र के क्या कर्तव्य हैं, इसको बताए। इसके बाद विद्यालय की बात आती है और अनुशासन की बात आती है। विद्यालय कैसा हो, अनुशासन कैसा हो, इसके लिए क्या बताते हैं मार्क्सवादी, विद्यालय के लिए कहते हैं कि ये समाज का अभिन्न अंग है, समाज का अभिन्न अंग, विद्यालय समाज का अभिन्न अंग है। वर्गहीन समाज के निर्माण में सहायक हो विद्यालय, और साथ साथ नवीन संस्कृति का अग्रदूत हो, नवीन संस्कृति का अग्रदूत हो। कार्यशाला और प्रयोगशाला से युक्त हो, प्रयोगशाला और कार्यशाला से युक्त हो, ये विद्यालय के विषय में इन्होंने बताया था। और अनुशासन कैसा हो, अनुशासन के लिए इन्होंने बताया कि अनुशासन का महत्व है, मार्क्सवादी अनुशासन को महत्व देते हैं, अनुशासन को महत्व देते हैं, बड़ों के सम्मान की बात करते हैं। इसके साथ साथियों के साथ विनम्रता की बात करते हैं, संबंधों के प्रति चिंतित रहने की बात करते हैं, संबंध निर्वहन अच्छे से होना चाहिए, संबंधों
के प्रति चिंतित रहने की बात। ये अनुशासन और इसमें देश प्रेम ये होना चाहिए। देश प्रेम सार्वजनिक भावनों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये अनुशासन में बताया जाए और साथ साथ ईमानदारी सच्चाई सिखाया जाए। ये अनुशासन रहा। इस प्रकार हम मार्क्सवाद की विचारधारा क्या है, मार्क्सवादी दर्शन क्या है और मार्क्सवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, इसकी बात हमने की। निम्न वर्ग के उत्थान की बात करते हैं, सर्वहारा के उत्थान की बात करते हैं और शिक्षा में ऐसी व्यवस्था लाने की भी बात करते हैं जिससे कि निम्न वर्ग का उत्थान अच्छे से हो सके। हाथ से काम किया जाए, हम कह सकते हैं कि बेसिक जानकारी बेसिक शिक्षा के समर्थक मार्क्सवादी रहे हैं। इनकी विचारधारा पहले से ही स्पष्ट है कि पढ़ाई के साथ, उम्र के साथ, आयु स्तर के साथ हर बालक को, हर छात्र को उत्पादन कार्यों में लगाया जाए, उनसे सहयोग लिया जाए और बाल श्रम को इन्होंने नकारा, बाल श्रम का विरोध किया। शिक्षा में धर्म को इन्होंने अलग किया शिक्षा से और साथ साथ ये भी बताया कि अध्यापक की योग्यता विषयवार निश्चित होनी चाहिए राज्य के द्वारा और राज्यों का यह कर्तव्य है कि शिक्षा को आर्थिक सहायता दे। ये आज की आधुनिक शिक्षा में मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है, आज भी है। भौतिकता को ये बल देते हैं, आध्यात्मिकता का विरोध करते हैं, वैज्ञानिकता को, तकनीकी ज्ञान को महत्व देते हैं, प्रयोगशाला कार्यशाला को ये महत्व देते हैं। ये मार्क्सवाद की शिक्षा की विचारधारा रही। इसके पहले वीडियो में हमने दर्शन के कुछ संप्रदाय आदर्शवाद, प्रकृतवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद की चर्चा की थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। मार्क्सवाद से संबंधित आज का ये वीडियो रहा। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।